इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नागपुर से, जहां खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएसएस मुख्यालय जैश आतंकियों के निशाने पर है। पुलिस के मुताबिक जैश के आतंकियों ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय समेत कई संवेदनशील जगहों की रेकी की है। खबर है कि आरएसएस से जुड़े कई बड़े नेता भी आतंकियों के निशाने पर है। हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं इस वक्त जानकारी के साथ। विवेक, 5 जनवरी को जो जिस तरह से चूक का मामला सामने आया, अभी तक वो जांच का विषय बना हुआ और ऐसे में एक और धमकी वाला ये जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल शेखर प्रीति, आपने देखे नागपुर से जो नागपुर पुलिस ने भी इस खबर की पुष्टि की है कि आतंकियों ने, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने नागपुर शहर के कुछ वाइटल इंस्टॉलेशन की रेकी की है। और खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जैश के आतंकियों के निशाने पर आरएसएस हेडक्वार्टर से, आपको बता जाएंगे आरएसएस का जो मुख्यालय है हिंदुस्तान में वो नागपुर में है, साथ ही साथ कुछ वाइटल इंस्टॉलेशन की उन्होंने देखी गई थी। लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश के आतंकियों के निशाने पर आरएसएस मुख्यालय था। विवेक, एक और बात जानकारी मैं लेना चाहती हूं आपसे कि और क्या क्या जगह है जहां की रेकी किए जाने की जानकारी है? देखिए प्रीति, इस पूरे मामले में नागपुर पुलिस ज्यादा खुल के तो नहीं बता रही, लेकिन खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आरएसएस मुख्यालय के साथ साथ जो हेगड़ेश्वर भवन था वो भी आतंकियों के निशाने पे था, साथ ही साथ आरबीआई जो है और जो दफ्तर है वो भी आतंकियों के निशाने पे था। पुलिस मैटर रजिस्टर कर अब जांच कर रही है।